फ्रीडम्स किचन में हम लोग कीमा मीट बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हर तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुली कुक्ड है, वेरी नाइस अरोमा, वेरी नाइस कलर। रोगन देखिए कितना प्यारा हुआ है। ब्यूटीफुल रेसिपी, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। मैंने रुमाली रोटी के साथ सर्व किया, आप नान, परांठा, लच्छा परांठा, राइस, किसी भी चीज़ से सर्व कर सकते हैं। 1.5 कड़छी घी में 5 लौंग, 4 हरी इलायची, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 2-3 तेज़पत्ता। क्रैकल होने देंगे इनको, खुशबू आने दीजिए। गरम मसालों की घी में थोड़ी सी खुशबू आ गई है गरम मसालों की। एडिंग 1 कड़छी 2 टेबलस्पूनफुल अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा पहले इसको भूनेंगे, इसका कच्चापन निकालेंगे लहसुन का। एक कटोरी में प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मोटा पीसा हुआ है, बहुत बारीक नहीं पीसा मैंने। 3 प्याज हैं ये। प्याज में देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया, लुक एट द कलर। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए। इसमें मैं टमाटर डालूंगी, मैंने 3 टमाटर पीस के रखे हैं, ग्राइंड किए हुए हैं। 1.5 टीस्पून सॉल्ट, और एज पर टेस्ट जितना आपका स्वाद है उस हिसाब से 1 टीस्पूनफुल कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी मिक्स करेंगे। हमें टमाटर तब तक पकाना है जब तक साइड में घी ना छोड़ जाए, कच्चा नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, अदरवाइज तेज अच्छा नहीं आएगा। मसालों को कभी कच्चा नहीं छोड़ना है, प्याज हो, टमाटर हो, लहसुन अदरक को अच्छे से पकाना है, ब्राउन कर लेना है। टमाटर जब तक साइड घी ना छोड़ जाए तब तक पकाना है। जो कच्चा तंदूर हो गया है, साइड में घी छोड़ दिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मिक्स करेंगे। वन केजी में मटन ले रही हूँ, धो के यूज कर रही हूँ, धो के यूज करना है मटन को। मसाले में मिलाएंगे इसको, ग्राम मैंने कीमा लिया है, 250 ग्राम कीमा है ये। मटन के साथ मुझे इसको भूनना है, कीमा और मटन दोनों को भूनना है पहले। मटन को भूनते हुए 2 चम्मच में मीट मसाला डाल रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 2 टीस्पून मीट मसाला, साथ में केसर मैंने दूध में भिगो के रखा है, इसको भी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करना है, प्रॉपरली भूनेंगे इसको। केसर से देखिए कलर कैसा हो गया, डिफरेंट सा कलर हो जाता है, पीला सा केसरी कलर। मटन भूनते हुए ही मैं येलो बटर डाल रही हूँ, येलो बटर डाल के मीट को अच्छे से भूनना है। जितनी देर आप मटन भूनेंगे उतना टेस्टी बनेगा, लगाना नहीं है नीचे, भूनना है। इसके मैं थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिलीज भी डालूंगी, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपका कितना पसंद है। मैंने 1 से 2 चम्मच डालिए, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालिए, और थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे।
बाकी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, थोड़ा सा धनिया की कमी डाल दिए थे, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मटन भूनते हुए इससे दो कड़छी दही कर्ड, दो कड़छी डाल दी हमने, भूनना है दही को भी, कच्चा नहीं छोड़ना, दही को भी अभी भूनेंगे प्रॉपरली, भून के जब तक साइड में घी ना छूट जाए तब तक भूनना है। दही का भी अपना घी निकलता है, मलाई हो दही हो इसका भी अपना घी निकलता है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये। थोड़ा सा भूनने के बाद एडिंग हाफ टी स्पून रोस्टेड भुना पाउडर, जीरा पाउडर, इसको मैंने भून के जो हम रायते के ऊपर यूज़ करते हैं वो वाला जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर, जिसको आधा चम्मच मैंने डाला है। पहले जीरा पाउडर मैंने प्लेन पिसा हुआ जो मार्केट में मिलता है वो लिया था, अभी मैंने भुना हुआ डाला है। ये देखिए डालते ही थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, और इसी टाइम में 1 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला, भूनना है, अभी भी भुनाई चल रही है, काफ़ी देर हो गई भुनाई करते हुए, अभी भुनाई रुकी नहीं है हमारी। लुक एट द लवली कलर, कैसे घी ऊपर फ्लोट करने लग गया है, कैसे घी नज़र आ रहा है ऊपर, अभी भी बट मैं भुनाई कर रही हूँ। घी आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखिए कैसे घी नज़र आ रहा है, पूरा घी फ्लोट कर रहा है इस टाइम, ये देखिए। मटन की भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, ये घी कैसे तैर रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ, इतना डाल रही हूँ कि मटन थोड़ा सा डिप हो जाए, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा ग्रेवी नहीं बनानी है। कीमा भी था, कीमा नज़र आना चाहिए, मीट नज़र आना चाहिए, सबसे लास्ट में कसूरी मेथी एंड 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, ज़्यादा डालिए 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, मिक्स इट वेल, अब इसको लिड लगा के 1 सीटी आने के बाद मैं 5 मिनट सिम करूँगी, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, गैस को स्विच ऑफ कर दूँगी। आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 1 विसल एंड 5 मिनट सिम, 5 मिनट बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था, अब मैं खोल रही हूँ। ये देखिए कितना गर्म है अभी भी, लवली कलर, मटन देखेंगे गला ही नहीं गला, प्रॉपरली गल गया है। ये देखिए कीमा मीट, लवली कलर, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।